का फार्म ठाकुर रामलाल जो डॉक्टर परमार के समय का था उसमें भी हमारा कोल्ड स्टोर स्थापित हो, आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में जो हमारी मूलभूत आवश्यकता चाहे सड़कों की बात हो, सड़कों के बारे में काफी विस्तार से यहाँ बताया गया, हम टनल्स की ओर भी जा रहे हैं जिसमें चाहे खड़ा पत्थर की टनल की बात हो, अभी हम ये शिमला की कंजेशन की बात कर रहे थे ढली के साथ के लिए, आने वाले समय में प्रदेश में और हमारे को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिले, डिस्टेंसेस शॉर्ट हो, क्योंकि आने वाला समय कनेक्टिविटी के माध्यम से ही मैं समझता हूं आज बागवानी हमारे क्षेत्र की एक मुख्य आर्थिक आय का साधन है, आने वाले समय में पर्यटन भी हमारे क्षेत्र की मैं समझता हूं इकोनॉमी का बेस होगा, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सड़कें हैं, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, चाहे शिक्षा की बात हो उसमें भी रचनात्मक मैं समझता हूं कदम सरकार उठाएगी, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, हर जगह आपको मैं समझता हूं निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआती दौर है, कुछ समय के बाद आप निश्चित रूप से हर जगह आप एक बदलाव एक परिवर्तन देखेंगे। मैं पुनः समस्त जनता जनार्दन की तरफ से अपने समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से नेगी जी का अपने क्षेत्र में आने के लिए पुनः इनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा माननीय नेगी जी से कि आप जो है यहां पर आए बागवानों को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। हिमाचल प्रदेश सरकार में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और यहाँ के लोकप्रिय नेता आदरणीय रोहित ठाकुर जी, श्री मोतीलाल जी हमारे अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुब्बलकोट खाई, एमडी एचपीएमसी सुदेश मोका और यहाँ पर हमारे बीच में श्रीमती रेखा चौहान चेयरपर्सन ब्लॉक पंचायत समिति, देवेंद्र नेगी डायरेक्टर कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, पवन चौहान डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, रविंद्र चौहान एक्स चेयरमैन, प्रेम चौहान जी हमारे प्रगतिशील बागवान और हिमाचल गौरव से अभी हाल में सम्मानित, श्री सोनलाल जी हमारे एक्स प्रधान घुमा, अजय मेहता जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पंचायत के, उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों भाइयों बहनों और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी व कर्मचारी वर्ग, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि यहाँ पहुँचने पर आप सबने मान सम्मान दिया और साथ में समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इससे पूर्व हमारे मंत्री जी ने बहुत विस्तार से प्रदेश में हो रहे विकास के बारे में चर्चा की, आपके क्षेत्र के बारे में जो कार्य ये भविष्य में करने जा रहे हैं उस पर उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी है। और रोहित जी अपने इलाके के लिए, मैं तो लंबे समय से इनको देख रहा हूँ विधानसभा के अंदर, जब अभी तो हम मंत्रिमंडल में से हो गया है, जब हम विधायक के रूप में भी थे पिछले सरकार में, हमेशा जो है आपके इलाके के लिए हर मौका कोई जो है विधानसभा में छोड़ते नहीं थे, चाहे प्रस्ताव के माध्यम से, चाहे आपके वहाँ पर किसी क्वेश्चन के माध्यम से हो, हर तरह से ये जो है अपने इलाके को प्रगतिशील करने में पीछा ही रहते हैं। अभी भी हमारा जो है विधानसभा में सीट साथ ही है और मैं हमेशा देखता हूँ कभी ये जो है वहाँ पर आइडल नहीं होता है, कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, मैं देखता रहता हूँ क्या लिख रहे हैं, तो जो आज आप एप्लीकेशन देते हैं उन एप्लीकेशन को बड़े गौर से देखते हैं, फिर उसके ऊपर कमिट करते हैं और फिर संबंधित विभागों को भेजते हैं और तभी जो है आपके यहाँ इतना जो है तेजी से प्रगति हुआ है, क्योंकि ये जो है हमेशा जो है आपके लिए चिंतित है और आपके लिए काम कर रहे हैं। आज मुझे इनके साथ यहाँ आने का मौका मिला है, वैसे गुमा के इस जो है स्टोर में सीए का जो है कोल्ड स्टोर में मैं कुछ समय पूर्व भी आया था और यहाँ आज बागवानी का मुझे जो एक मौका मिला है इसमें काम करने का, तो पूरे प्रदेश में बहुत जगह नीचे के इलाकों में भी गया, सिर्फ जो है फल में हम लोग ही नहीं है, आज नीचे के इलाकों में भी फलों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है शिवा के नाम से है और जो अभी शुरू होना है पायलट प्रोजेक्ट, कोई 75 करोड़ का हो चुका है, अभी कोई जो है 1200 करोड़ के करीब का जो मेन प्रोजेक्ट आना है, उस प्रोजेक्ट के आने से नीचे के इलाकों में
मैं समझता हूँ कि वाकई क्रांति आने वाली है। अब ये नहीं कि सेब हम ही यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, अब तो सेब पटियाला में जब जाए या होशियारपुर में जाए वहाँ भी सेब तैयार हो रहा है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अब हमें जो है और ज़्यादा जो है प्रगति इसमें करने की ज़रूरत है, नई सोच हमें करने की ज़रूरत है, क्वालिटी की तरफ हमें जाने की ज़रूरत है। अगर क्वालिटी की तरफ हम नहीं जाएंगे तो हमारा जो है आज उत्तराखंड जो है हमारे पड़ोसी जो राज्य है वहाँ भी सेब के बारे में बहुत बड़ा काम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आज जो है सेब के में जो है बहुत ज़्यादा वहाँ भी काम हो रहा है। तो इसलिए हमें जो है जम्मू कश्मीर से तो पहले ही है, तो हमें जो है इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें हमें जो है सोच कर हमें क्वालिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है। अभी मैं पिछली बार जब आया प्रेम जी के यहाँ पर जाने का मौका मिला, इन्होंने जो है एक नया किस्म का अपना जो है एक सेब की जो है किस्म तैयार की है, ऐप्स का नाम इन्होंने दिया है, और करीब मैं देख रहा था इनका जो नर्सरी है बहुत बड़े उसमें कोई 50,000 से ज़्यादा जो है पौधे इन्होंने उसमें जो है तैयार करने जा रहे हैं। तो इन्होंने एक नई सोच शुरू की, नया वैरायटी को इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया है, और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के अगर हम प्रगतिशील बागवानी की तरफ हम जाएंगे तो हमारा भविष्य में जो है बागवानी हमारा जो है एक अच्छा मतलब जो अभी आर्थिकी का अभी हमारा जो सोर्स है और बेहतर हो सकता है। अभी इनको जो है मैं प्रेम जी को वाकई जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिमाचल गौरव का इनको जो है पुरस्कार इस बार 15 अप्रैल के दिन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथों जो है स्पीति में जो हमारा 15 अप्रैल का वहाँ पर कार्यक्रम था वहाँ इनको सम्मानित किया गया। अभी बहुत सारे मुद्दे जो अभी ठाकुर साहब ने यहाँ रखे मैं उनको जो है दोहराना नहीं चाहूँगा, परंतु इतना कहना चाहूँगा कि 100 दिन का कुल समय हो रहा है हमारी नई सरकार को। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एक नई पहल हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, एक पुराने लीक से हटकर अलग एक विचार यहाँ पर जो है कैसे हिमाचल को आगे किया जाए, कैसे हिमाचल के अंदर जो है रिसोर्स को मोबिलाइज किया जाए, कैसे बजट को जो है बढ़ाया जाए, खाली उधार लेके काम ना चले बल्कि कुछ हम भी करें, किस तरह से जो है हिमाचल के लोगों की आर्थिकी को आगे सुधार किया जाए, उस दिशा में हमारे जो युवा मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू उसमें बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि सबके सहयोग से आने वाला जो समय है हिमाचल के भविष्य के लिए बहुत ही उज्ज्वल है। जहाँ तक बागवानी के बात में है कि यहाँ पर सीए स्टोर्स की बात हो रही है, तो इस बार कोई 200 करोड़ से ज़्यादा जो है सीए स्टोर्स के ऊपर खर्च करने का जो है लक्ष्य रखा गया है, और आपके चुनाव क्षेत्र में तो जो है रोहित जी के बार बार जो है इन्होंने मुद्दा उठाया, और माननीय मुख्यमंत्री ने इनकी जो मांग थी इधर चाहे आपके अनु का है चाहे आपके इधर ये खड़ा पत्थर का है और हाँ वो सारा इनका जो है सेंक्शन हो गया है, सिर्फ जगह देकर और बढ़िया सीए स्टोर्स बनेंगे। और ये जो सीए स्टोर यहाँ बन रहा है इसका भी जो है पिछले बार निरीक्षण किया और इस सीजन में इसको पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। अभी इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा का इसमें जो है ग्रेडिंग का सामान पड़ा हुआ है और पूरा का पूरा पिछले साल तो इसका कोई इसका फायदा भी नहीं हुआ, ऐसे ही आइडल पड़ा हुआ है। तो अब जितना भी है एचपीएमसी जो है वाकई इसमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 5 सालों में एचपीएमसी में जो है एक किस्म से मैं समझता हूँ कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अब जैसे यहाँ रेट की बात कर रहे हैं, जो उत्पाद हम जो आपको देते हैं वाकई महंगा है। अभी पीछे बोर्ड की मीटिंग हुई थी, हमारे MD यहाँ पर है, तो उसमें यह फैसला किया कि अब जो 15% का प्रॉफिट लेने का जो मार्जिन रखते थे घटा के अब 5% के आसपास ला रहे हैं। हम इसमें हमारा उद्देश्य नहीं है कि कुछ कमाना है, एसपीएमसी का उद्देश्य होना चाहिए कि जितने भी हमारे बागवान हैं उनको हमने जो है किस तरह से उनको सहयोग करना है, किस तरह से मदद करना है, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा लक्ष्य ये नहीं होगा कि हमने कोई कमाई करना है या कुछ करना है, आपको बेहतरीन उत्पाद पहुंच सके, समय पे खादें मिले, समय पे आपको जो है दवाइयां मिल सकें, जो भी है उसके लिए हम जो है पूरा कोशिश करेंगे। इस बार जो हमारा जो हम कल्ड एप्पल जो लेते हैं खासकर पराला का जो हमारा अभी जो प्रोसेसिंग यूनिट तैयार हो रहा है
करीब 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने जा रहे हैं और इस सीजन में इसको शुरू करेंगे और इस आसपास में जो उपराला के आसपास में कम से कम 30-40 किलोमीटर के दायरे में हम जो सेब है इस बार आपका जो गल्ड एप्पल है MIS का वो बोरियों में नहीं लेंगे बल्कि क्रेट में लेंगे ताकि मार्केट में जो है एक किस्म से कल्ड एप्पल के पहुंचने से मार्केट में परमाणु में नीचे के इलाकों में जब ये पहुंचता है तो हमारा जो है रेट नीचे चल जाता है तो उसको भी हमें जो है देखना है तो एक शुरुआती हम इस एरिया में करेंगे उसमें आप बागवानों का सहयोग चाहिए कि हमें जो है कल्ड एप्पल जो है आप क्रेट में क्रेट हम देंगे आपको वापस आपको करना पड़ेगा और जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम थोड़ा बहुत क्या कहते हैं सिक्योरिटी भी रखेंगे क्रेट का क्योंकि हमारे यहाँ रोज जो है 22 टन के करीब हमारा यहाँ पर पुराना में रोज लगना है तो उतना सेब हम जो है यहाँ पर बाहर जाने नहीं देंगे यहीं पे उसको क्रश करके जो है सेब का जो है एक बोरियों में लेने में भी काफ़ी दिक्कत है उसमें भी काफ़ी कई किस्म की उसमें कमियाँ हैं उसको भी दूर करेंगे। साथ में अभी हमने ये भी फैसला किया है सरकार ने कि सेब जो है अब वेट के हिसाब से मार्केट में आएगा। अब ये जो वेट के हिसाब से इसलिए रखा गया है कि सभी जो भी हमारे उत्पाद होते हैं सब वेट के हिसाब से बिकता है। अभी सेब भी वेट के हिसाब से बिकता है, कुल्लू की मंडी में सेब जो है वेट के हिसाब से बिकता है, सिर्फ हमारे शिमला के इलाके में सोलन के इलाके में परमाणु में ये जो है वेट के हिसाब से नहीं बिक रहा है। तो अब वेट के हिसाब से इस बार हमने इसको बेचना है और हमने एक लिमिट रखा है कि मार्केट में आप जो है जो भी पैकिंग हो चाहे आप टेलीस्कोप वाला हो चाहे क्रेट में ला रहे हो चाहे आप अन्य किसी मतलब अब जो यूनिवर्सल एक नाम दिया है। अब एक तो यूनिवर्सल के बारे में बताना चाहता हूँ, ये यूनिवर्सल जो नाम दिया गया है ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है हमारा जो भारत BIS एक स्टैंडर्ड होता है जैसे ISIA का होता है उससे नाप कर तोल कर कि हमारा जो है 80 mm का सेब कितने दाने उसमें होंगे और उसका वेट जो है एक अगर पेटी में डालेंगे तो उसका जो है करीब करीब जो है 23 किलो के आसपास के करीब बैठता है या 22 किलो के आसपास बैठता है वो सारा हिसाब करके किया तो उसमें जो है आपका 1.5 किलो से ऊपर तो पेटी का जो बाहर दाना है उसका भी वेट होता है। तो ये कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो है इसमें ज़्यादा सेब जाएगा, ज़्यादा सेब नहीं जाएगा। यूनिवर्सल कार्टन में जो है सेब का मैंने जो है ये भी आपको जो है जो ग्रेडिंग का एक जो सिस्टम बनाया हुआ है एक उसको भी आप सबके साथ हम शेयर करेंगे बाद में बागवानी विभाग के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे। तो उसमें हम जैसे आप देखेंगे कि इसमें जैसे हमारा लार्ज है 75 और 80 mm का जो दाना होगा 5 लेयर में जो जाएगा और जिसमें जो है 100 दाने सेब के होंगे तो 23 किलो के करीब करीब बैठता ही। तो 23 किलो के ऊपर आप 1.5 किलो अगर उसको लगाएंगे ये जो कार्टन का बार दाना का और 10% ऊपर नीचे लगा के तो 24 ही बैठता है। तो इसमें लोगों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ये जो है हमने हमारे से पहले जो है जब मैडम सॉक्स थे उस समय इसका एक मूल्यांकन किया गया था BIS के द्वारा तो ये जो है कोई 15-16 लाख रुपये खर्चा करके ये जो है एक पूरा वेट का मेजरमेंट किया गया। तो ये जो है एक मार्केट में जो एक ओवर जो है पैकिंग है उसको रोकने का है, बाकी तो वेट के हिसाब से जाएगा तो आढ़तियों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब एक काम ये करना पड़ेगा कि आपको वेइंग मशीन जो है हर फार्मर को अपने पास रखना पड़ेगा, आप अपना पेटी के बाहर भी लिखना पड़ेगा कि मेरे पेटी में इतना किलो सेब है तो उस हिसाब से क्वालिटी और वेट के हिसाब से सेब बिकेगा तो उसमें कोई दिक्कत किसी को होना। हाँ ये HPMC से हम जो है आपको वेइंग मशीन जो है बढ़िया क्वालिटी का मुहैया कराएंगे। अब ये जो है एक शुरुआत किया है, शुरुआत में जो है कुछ ना कुछ जो है इसमें कमियां रह जाएगी, आपका सहयोग रहना चाहिए, आपका सुझाव रहना चाहिए और हमने इसको सख्ती से लागू करना है। तो सख्ती से लागू करने के लिए इस बार हमने एक नया तरीका ये किया है कि जितने भी हमारे STMs हैं जितने भी हमारे तहसीलदार हैं इनको भी हमने जो HPMC के APMC के कानून के तहत जो शक्तियाँ हैं कि जाके आप मार्केट में चेकिंग कर सकते हैं, आढ़तियों के पास जो है डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, लाइसेंस को चेक कर सकते हैं, ये शक्तियां जो है सेब सीजन के लिए हम SDM तहसीलदार और हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं एग्रीकल्चर के पास तो पहले भी था, इस बार पहली बार जो है हम हॉर्टिकल्चर और रेवेन्यू विभाग के अधिकारी को दे रहे हैं जो आपके मदद के लिए होंगे।
ताकि अब जो बाहर से जो भी व्यापारी आएंगे उनका जो लाइसेंस जब देंगे तो लाइसेंस को भी पूरा देखेंगे कि ये व्यापारी कहाँ से हैं, इनके पास इतनी समर्थ है कि नहीं है, कि सारा देखकर। और जो मार्केट यार्ड से बाहर भी जो अगर वो अपने यार्ड खोलते हैं तो हम वहाँ कोशिश करेंगे कि उनका लाइसेंस जो है डिजिटल डिस्प्ले हो, ताकि आपको लगे कि ये वाकई जो है सरकार के द्वारा मतलब इसको लाइसेंस है, इससे धोखा नहीं लगेगा। ये हम पूरी जो है आने वाले समय में पूरा कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास जो प्रोसेसिंग का जो काम चल रहा है या नए मार्केट यार्ड्स बनने हैं, तो अभी हमारा जो है इधर शिलारू में नया मार्केट यार्ड तैयार होने वाला है, सीजन में हम इसको चलाने के लिए पूरा लगे हुए हैं कोशिश में। पुराना में जो नया मार्केट यार्ड है, परमाणु में नया मार्केट यार्ड है, सोलन में नया मार्केट यार्ड है, और भी जो एक आध छोटे छोटे हैं, इन सबको इसी सीजन में चलाकर ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुविधा जो है उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी रही दवाइयों की बात, इस बार हम जो दवाइयाँ जो हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से दे रहे हैं उसमें हमने ये किया है कि जितने भी ब्रांडेड कंपनियाँ हैं उन्हीं कंपनियों को हमने अधिकृत किया है, और बेशक थोड़ा सा समय लग गया है परंतु अब 8-10 दिन में सारी दवाइयाँ जो है आपके जो स्प्रे का शेड्यूल है शेड्यूल के हिसाब से ये दवाइयाँ आपको उपलब्ध होगी, हमारे अच्छे क्वालिटी की दवाइयाँ होंगी। और आपसे फीडबैक भी लेंगे कि ये दवाई जो हम दे रहे हैं अगर उसमें कोई शिकायत है तो आप हमें जो है तुरंत उसके बारे में बता सकते हैं, हम उसकी टेस्टिंग करा के अगर वो दवाई वाकई अगर ठीक नहीं है तो उसका हम जो है कैंसिल करके फिर उससे बेहतरीन और जो भी दवाई उपलब्ध होगा वो आपको देने का जो है भरसक प्रयास करेंगे। जहाँ तक कार्टन की रेट की बात है, जीएसटी की बात है, वो हमारे हाथ में नहीं है, जीएसटी मोदी सरकार के हाथ में है। मोदी जी ने वैसे तो भाषणों में बहुत कुछ कहा कि हम बाहर के देश का सेब आने नहीं देंगे, परंतु 9 साल में सबसे ज़्यादा बाहर के देश का सेब जो है आयात किया जा रहा है। अब तो टर्की से भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहा है, यूएस का आ रहा है, आपका जितने भी यूरोपियन कंट्रीज का आ रहा है, चाइना से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, तो ये तो सारा सेंटर का है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, मोदी सरकार को लिखेंगे, मिलेंगे कि कुछ करें, जीएसटी कम करें, ये जो भी जो है केंद्र के द्वारा होना। जो हमारा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था अब उसका अंतिम दौर पर है, अब उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ उसका मूल्यांकन हम कर रहे हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन होना था, नए वैरायटी के प्लांट्स लगाने थे, रूट स्टॉक पे लगाने थे, परंतु इसमें शुरुआती दौर से लेकर आखिर तक इसमें बहुत सारी कमियां रही है। अभी प्लांट मटेरियल नहीं होने के कारण एसडीपी का प्रोजेक्ट जो है ठीक से नहीं चला। अब हमने ये फैसला किया है कि आपको थोड़ा सा समय सब्र रखना पड़ेगा, 1-2 साल बेशक पीछे भी इंतजार करना पड़े, हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा आपको बढ़िया प्लांट मटेरियल जो आपके हाइट के हिसाब से कौन सा मतलब रूट स्टॉक लगना है, कौन सा कल्टीवेयर उसके ऊपर होना चाहिए, ये प्लांट हम कोशिश कर रहे हैं कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से नर्सरी हम लगाकर आपको जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कि एक जो है रोग मुक्त जो है और बढ़िया पौधा जो है आपको उपलब्ध कराएं, इसका भविष्य हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा कि जो बाहर से आ रहा है जो मर्जी आ रहा है उसको लगाना आप छोड़ दीजिए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए 1-1.5 साल, हम आपको जो डिमांड के हिसाब से यहीं पे जो बाहर से मंगाया हुआ प्लांट है उसको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से तैयार करके आपको ये जो है उन्नत किस्म के वैरायटीज आपको यहाँ पर देने का जो है भरपूर जो है कोशिश करेंगे। दूसरा MIS के बारे में कहा है, अभी MIS में केंद्र सरकार ने 1 पैसा नहीं रखा है, पिछला देनदारी जो है 82 करोड़ का है जिसमें हिमफेड का भी है और हमारा भी HPMC का, दोनों को मिला के जो है 40-40 करोड़ के करीब है। अभी 12-12 करोड़ रुपए कुल जो है हिमपेड और HPMC को सरकार से ये जो पिछला जो देनदारी है उसके लिए मिला है, बाकी अभी हमारी मांग है सरकार से जैसे ही मिलेगा वो पैसा आप तक आएगा, चाहे वो उत्पाद के रूप में होगा चाहे कैश के रूप में होगा, वो जल्द से जल्द आपको देने का जो है पूरा कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर जो हमारे कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सबसे जो हमारी 10 गारंटियां थी उसमें सबसे बड़ा जो गारंटी था ये था कि पुरानी पेंशन बहाली करना है, वो जो है मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा था, उसमें 1000 करोड़ रुपए का जो है उसमें खर्चा होना था, बजट की जरूरत थी, और हमारी सरकार ने सबसे पहला अपना जो है वादा निभाया है, 1000 करोड़ जो है इस बजट में जो है 1,36,000 जो कर्मचारी है पुरानी पेंशन भोगी है उनको इसका डायरेक्ट फायदा होने वाला है। और फिर महिलाओं के लिए जो 1500-1500 रुपए देने की बात है, अब कहते हैं कि नहीं मिल रहा, तो उसके लिए भी इस बार जो है
ढाई लाख महिलाओं को प्रथम चरण में जो है 1500-1500 रुपए जो है 18 साल से 60 साल की महिलाओं को एक सम्मान के रूप में यह पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। और जितनी दूसरी गारंटियां हैं 300 यूनिट बिजली है, ये भी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार के लिए नए नौकरियां जितने हैं, अब हमारे शिक्षा विभाग में ही ठाकुर साहब के पास हजारों पद खाली है और इन्होंने उसको भरने के लिए शुरुआत भी कर दिया। तो ये अभी कल अभी सोमवार को हमारी एक कैबिनेट सब कमेटी की बैठक है जिसमें रोजगार के बारे में किस तरह से मतलब इसको तेजी लाया जाए। अब जैसे हमारा चयन आयोग था जिसमें भ्रष्टाचार चला हुआ था, जिसमें पेपर बिकते थे, उसको बंद करने से भी थोड़ा सा बीच में जो है समय लगा, परंतु अब वो जो भ्रष्टाचार उसको तो खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर तो देने का कोई मतलब नहीं था। जो खरीद लिया 8 लाख में पेपर खरीद लिया, वही जो है आगे सिलेक्ट होता था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमें आप सबके सहयोग से हम जो है भविष्य में बेहतरीन जो है सेवा आपको दे पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। मैं पुनः जो है आप सबका हमें यहाँ आने पे जो मान सम्मान आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।